नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम डाउनलोड करने वाले हैं और इंस्टॉल करने वाले हैं क्रोमियम ओएस। तो पहले हम आपको बता दें, हम क्रोमियम जनरली हम करते हैं कि वीडियो ओएस इंस्टॉल करने के साथ साथ बनाते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आता है उसको दिखाते चलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना। लेकिन तो बेसिकली लेकिन हम कल रात को क्रोमियम ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए और आज हम वीडियो बना रहे हैं। मतलब हमको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो जब क्रोमियम ओएस इंस्टॉल कर रहे थे तो हम पहले क्या बोलते हैं उसको, x86, हाँ x86 बोलते हैं शायद, यानी कि 16 बिट का जो है सो क्रोमियम ओएस इंस्टॉल कर किए। और एकदम बहुत ज़बरदस्त था क्रोमियम ओएस, मतलब हमको बहुत पसंद आया यार वैसा ओएस। तो उसमें एक था कि एंड्रॉयड जो है सो एंड्रॉयड कैप सपोर्ट करता था, वो बीटा में था, ठीक है। लेकिन अपडेट कर रहे थे तो उसका वो आखिरी अपडेट था क्रोमियम ओएस का जो है ना, 32 बिट का जो है सो जो अपडेट है वो 2017 में हुआ था आखिरी बार। तो उसके बाद अपडेट नहीं आया, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद जो है सो सिस्टम सब ज़्यादातर जो है सो 64 बिट हो गया। इसी वजह से जो है सो जो है उसके बाद अपडेट नहीं आता है 64 बिट का। उसके बाद सब सॉरी उसके बाद अपडेट नहीं आ रहा है, मतलब 32 बिट का। ज़्यादातर आप सॉफ्टवेयर 64 बिट पे बन रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारा सिस्टम 64 बिट है, तो आज हम 64 बिट वर्जन इंस्टॉल करेंगे क्रोम ओएस का, जो कि लेटेस्ट होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें। देखिए क्रोमियम ओएस इंस्टॉल करने का डाउनलोड लिंक सिर्फ एक ही जगह है। पूरे इंटरनेट पे हम हर जगह ढूंढ लिए, लेकिन उसका डाउनलोड लिंक सिर्फ एक ही जगह है जो रेगुलर अपडेट देता है, डेली अपडेट देता है, डेली बेसिस पे आप उसको। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपडेट करना चाहते हैं। तो क्रोमियम यहाँ पे जो है सो पहले टाइप करना है गूगल गूगल पे कि क्रोमियम ओएस, क्रोमियम ओएस इंस्टॉलेशन विकी हाउ, ठीक है। ये इतना टाइप करना है। उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा क्रोमियम ओएस विकी हाउ का, तो इस पे क्लिक करना है। विकी हाउ बेसिकली बताया हुआ है कि क्रोमियम ओएस इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, एकदम इजी है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड क्रोमियम ओएस बिल्ड फ्रॉम जो है सो ये जो क्रोमियम आर्नोल्ड द बैट डॉट को डॉट यू के जो है, यही एक ऐसा वेबसाइट है जो सिर्फ इसका अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं इसका वेबसाइट खुल गया, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे तीन है, डेली बेसिस पे आप अगर अपडेट चाहते हैं या स्पेशल अपडेट चाहते हैं या वीकली अपडेट चाहते हैं, ठीक है। तो हम आपको स्पेशल दिखा रहे हैं। स्पेशल में सिर्फ 32 बिट वाला है। तो ये देख सकते हैं CX86 जो है, ये सारा फाइल जो है सो 80 क्या कहते हैं 16 बिट का है। और उसके बाद CMD64 जो है, CMD64 जो है ये है 64 बिट का। तो देख सकते हैं 32 बिट का जो है क्या कहते हैं अपडेट आया था आखिरी बार अगस्त मई जून जुलाई अगस्त अगस्त 2017 को, 28 अगस्त 2017 को। और उसके बाद ये जो 64 बिट का अपडेट है वो आया था 7 मई 2017 को, ठीक है, 8:39 PM पे। और इसका फाइल है 604 MB का और ये सब फाइल कम MB का है, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसमें देख सकते हैं इसे बहुत सारा चीज़ भी दिया हुआ है। 64 बिट का ये है वनीला, ये है स्पेशल, ये वनीला, ये स्पेशल, ये वनीला, ये स्पेशल। पता नहीं एग्जैक्टली क्या है ये वनीला और स्पेशल में अंतर, लेकिन जो भी है दोनों ही सेम ही है। तो होम पे चलते हैं, अब वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में सिर्फ जो है लेटेस्ट अपडेट है कारमोस का, ने कहा मतलब आर्म सीपीयू का। देखिए आर्म सीपीयू स्ट्रक्चर जो होता है, जिसे आर्म बेस्ड सीपीयू जैसे AMD का जो होता है, तो आर्म सीपीयू का हो गया यहाँ पे कारमोस। तो कारमोस का जितना है यहाँ पे सब आर्म सीपीयू का है। और ये AMD C64 OS जो है ये है बेसिकली 64 बिट का।
तो यही जो 30 जून, 30 जून यानी 30 जून का जो है सो अपडेट है, 30 जून 2019 का, ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है और यही अपडेट हम डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आप भी चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। अब पहले चलिए उसी पे क्लिक कीजिएगा, क्या कहते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएं कहाँ गया, लेटेस्ट 64 बिट में जो लेटेस्ट होगा ना, देख लीजिएगा डेट सबका, वही उसी पे आप डाउनलोड कीजिएगा। समय के साथ वो बदल सकता है और डेली बेसिस पे भी इसका अपडेट आता है, लेकिन डेली बेसिस पे इसका जो है सो अपडेट 64 बिट का अगर देखें तो 29 जून का है, यानी कि कल का, कल 1 बज के, अभी जो है सो आज 30 जून है, 30 जून 9 बज के 26 मिनट तक, मतलब कल ही इसको अपडेट किया गया। तो डेली बेसिस पे अपडेट नहीं लीजिए, डेली बेसिस पे आप अपडेट कीजिएगा तो डेटा कनेक्शन आपका, डेटा पैक जो है ज़्यादा खत्म होगा। वीकली ले लीजिए या स्पेशल ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा अपडेट करने से मतलब नहीं है, उतना सिक्योरिटी से मतलब नहीं है ज़्यादा, तो स्पेशल में ले लीजिए, और नहीं तो स्पेशल में तो सिर्फ हाँ स्पेशल ले लीजिए, और या नहीं तो वीकली ले लीजिए। तो वीकली में से हम क्लिक किए और गए 64 बिट वाले सबसे लेटेस्ट में, जैसे कि यह है 64 वाला सबसे लेटेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड कर दिया, शुरू कर दिया। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद बैक जाइए, ठीक है। वो जब फाइल डाउनलोड हो जाए कितना बैक जाएगा, हाँ आ जाए, तो उसके बाद आपको एक और चीज इंस्टॉल, एक बात ध्यान रखें, आपको क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है इसको, मतलब इस प्रोसेस के दौरान क्रोम ब्राउजर के अलावा कोई भी वेबसाइट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज जो है, आपको क्रोमियम रिकवरी टूल जो डाउनलोड करना है, ठीक है। तो क्रोमियम रिकवरी टूल डाउनलोड करने के लिए देखिए सेकंड नंबर पे जो ये क्रोम स्टोर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, ये डायरेक्ट क्रोम स्टोर खुलेगा, और ये जो एक्सटेंशन है क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मेरे भी ऑलरेडी ऐड है, देख सकते हैं लॉन्च ऐप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद ब्राउजर का कोई काम नहीं है, उसके बाद एक नया टैब ओपन करें, यहाँ पे जो ऐप्स का ऑप्शन है इस पे जाएं, यहाँ पर रिकवरी का ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है, या नहीं तो स्टार्ट मेनू में जाए और यहाँ पे क्रोम ढूंढे, देख सकते हैं क्रोम ऐप्स, तो यहाँ पे है ना क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। तो बेसिकली इसके बाद इसको जो है सो मिनिमाइज कर दें, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो ये है कि आप स्टार्ट बटन या क्रोम किसी में से भी जो है लॉन्च करें क्रोमियम ऐप्स, ठीक है। तो इसको इसको फिलहाल काट देते हैं, उससे पहले आपको एक चीज दिखाता है, जो फाइल डाउनलोड किए हैं वो एक्चुअली में 7 7 7 Z ZIP में है, समझ गए। विंडोज आपका डिफॉल्ट जो है सो उस जिप को जो है सो ओपन नहीं करता है, मतलब इसको जो है सो आपको किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है सो मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाए और वैसे आप फाइल को ओपन कीजिएगा, उसी समय ऑप्शन दे देगा कि सर्च कीजिए आप इसको स्टोर में, तो हम कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएं और वहां पे जो है सो सर्च करें 7Z, 7Z 7Z ही होता है ना, पता नहीं क्या होता है, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या होता है। अरे ये तो गेम ले लिया, एप्स चाहिए ना, 7Z, देखिए ये सब फर्स्ट में ही आया, ये जो फर्स्ट वाला, इसमें से कोई भी आप जो है सो जीप एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, हम ये फर्स्ट वाला यूज किए हैं, देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आया क्योंकि ऑलरेडी हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो इसी को इंस्टॉल करना है आपको, उसको जब तक इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका वो ऐप इंस्टॉल हो जाए
और तो उस ये वीडियो हम तीसरी बार बना रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार जो है सो वीडियो जो है मतलब करप्ट हो जाता है वीडियो फाइल, पता नहीं क्यों। तो बेसिकली जब वो ऐप इंस्टॉल हो जाए, जो भी था फ्री जिप, तो आपने उस फाइल को जो आप डाउनलोड किए हैं उसको राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ पे जाइए, और उसके बाद फ्री जिप सेलेक्ट कीजिए, और अगर ना आए तो मोड ऐप पे क्लिक कीजिए, इसमें से फ्री जिप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये बेसिकली उसके बाद फ्री जिप ओपन होगा, और फ्री जिप ओपन होने में टाइम लगेगा, कुछ मिनट लगेगा आपको, तो पेशेंस बना के रखिए कि मतलब कुछ देर दीजिए, कुछ मिनट लगेगा इसको ओपन में, क्योंकि ये जो फाइल है ये बेसिकली 400 MB का है, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के, इसके अंदर में जो फाइल है वो 32 बिट वाले में 8 GB का था और इसमें 4 GB का है। तो कहने का मतलब कि इसके अंदर वाला फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके जिसके कारण उसको एक्सट्रैक्ट कर ओपन होने में टाइम लगता है, तो उसको टाइम दीजिए। जब तो थोड़ी देर बाद वो खुल जाएगा, जब खुलेगा तो उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद आपको जहाँ भी एक्सट्रैक्ट करना है वो सेलेक्ट कर दीजिए, हम डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे ही रह देंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद होगा ये कि ये नॉट रिस्पॉन्डिंग बोलेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो है बहुत बड़ा फाइल है, तो एक्सट्रैक्ट करने में जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग बोलने लगता है, तो उसको इग्नोर कीजिए, इसको रन करने दीजिए। अगर बोले कि नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे बोल रहा है और ये डायलॉग आए क्लोज दिस प्रोग्राम का, तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, और इसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। तो थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, पता नहीं कितना देर लगेगा, लेकिन हाँ जितना देर लगे लगने दीजिए, घंटा नहीं लगेगा, घंटा भर नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, चिंता मत कीजिए। तो इस जितना देर लगे लगने दीजिए, और जब हो जाता है तो देखते हैं। तो ये अब स्टार्ट हो चुका है, देखिए 16% हो भी गया, तो इसको होने देते हैं पूरा। तो ये 100% हो चुका है और ये फाइल ओपन हो गया। अब इस फाइल को बेसिकली क्लोज कर देते हैं हम। उसके बाद आप जो डाउनलोड किए थे, ये सी कहाँ गया, हाँ ये जो क्रोम ऐप डाउनलोड किए थे, क्रोम क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, या तो आप इसको ब्राउजर से ओपन कर लें, ये ब्राउजर में भी ऑप्शन आता है, और या नहीं तो डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लें, क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। उसके बाद इसको ओपन करने के बाद तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किए होइएगा तो ये बोलेगा फेल टू डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इसलिए इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल हम डेमो दे रहे हैं इसलिए जो है हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली अपना पेन ड्राइव या कार्ड रीडर जो भी है सेलेक्ट कर दीजिए। तो पहली बार जब वीडियो बनाए थे तो वो पेन ड्राइव जो है सो बेसिकली करप्ट हो गया था, करप्ट हो गया था, बीच में रुक गया था प्रोसेस, तो उसके बाद उसको ठीक किए, मतलब उस करप्शन को जो भी है करप्ट हो गया था, उस एसडी कार्ड को लास्ट में जाके ठीक किए। तो ये वीडियो हम दोबारा से तीसरी बार बना रहे हैं, दोबारा दोबारा भी करप्ट हो गया था फाइल, पता नहीं इस बार करप्ट होगा या नहीं, अगर देख रहे होंगे तो नहीं हुआ होगा। तो कहने का मतलब कि उसके बाद इस सेटिंग्स पे जाइए और यूज लोकल इमेज पे जाइए, उसके बाद वो जो डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ भी एक्सट्रैक्ट करके रखें उस पर जाइए, और ये बिन फाइल के जगह ऑल फाइल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्रोम जो है, ये जो आईएसओ है, उसको आईएसओ का आ गया इमेज फाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और उसके बाद यूएसबी स्टोरेज यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये राइट, ये जो है सो परमिशन मांगेगा, और उसके बाद जो है सो बेसिकली ये शुरू कर देगा प्रोसेस। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है राइटिंग का, और देख सकते हैं 1% हो भी गया। तो कहने का मतलब कि ऐसे ही करके ये हो जाता है, लेकिन फर्स्ट बार में जब हम वीडियो बनाए थे तो ये बेसिकली आधा पे जाकर लटक गया, और उसके बाद खराब हो गया, मतलब कार्ड रीडर, सॉरी मतलब मेमोरी कार्ड, हमको लगा कार्ड रीडर खराब हुआ है, तो उसके बाद कार्ड रीडर बदल के देखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो होता था कि जब उसको लगाते थे ना, तो उसको जब लगाने के बाद कुछ कुछ भी करते थे, डिस्क पार्ट से उसको फॉरवर्ड भी करने का कोशिश करते थे, तो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और सिस्टम जो है सो बेसिकली लटक जाता था। उसको उसको लगाने के बाद जो है सो उसको निकालते भी थे तो यहाँ पे जो जो मतलब माई कंप्यूटर में यहाँ पे शो करते रह जाता था यूएसबी डिवाइस निकालने के बावजूद, और उसके बाद दोबारा लगाते थे तो कोई पोर्ट नहीं काम करता था यूएसबी का, तो सिस्टम रीस्टार्ट करते थे, तो सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश करते थे तो रीस्टार्ट लेता ही नहीं था, बंद ही नहीं होता था, तो उसको फोर्स शटडाउन करना पड़ता था। तो कई बार ऐसा हुआ, सेकेंड बार में भी वीडियो बनाया तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड बार में जो वीडियो बनाया तो फिर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि वो जो
इस डिस्क को फॉर्मेट करने का कुछ किया तो बोला कि राइट प्रोटेक्टेड है ये डिस्क। तो ऐसे ही करके जो है सो बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है, तो आपको उस प्रॉब्लम को कैसे भी करके जो है सो उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हर केस में हर एक चीज़ बदल जाता है, मेरे केस में कई दोनों बार अलग अलग प्रॉब्लम आया। तो देख सकते हैं ये 12% हो गया है, तो इसको हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमको नहीं करना है। और क्योंकि और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा जहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका होगा ये प्रोसेस, हम कैंसिल कर दिए। तो बेसिकली हुआ ये है कि हमारा जो मतलब जब पेन ड्राइव जो मतलब हमको लगा खराब हो गया है, उसमें एसडी कार्ड लगा हुआ था बेसिकली कार्ड रीडर में, तो हमको लगा कार्ड रीडर खराब हो गया क्योंकि उसका लाइट नहीं जल रहा था। तो बेसिकली हम दोबारा से लगाए, तिबारा से लगाए, लेकिन लाइट जलता था। उसके बाद जो है सो उसके बाद उसको निकालते भी थे तो जो है सो यहाँ पे माई पीसी दिस पीसी या माई पीसी पे वो जो है सो करता ही रहता था कि यहाँ पे यूएसबी ड्राइव है, ठीक है। कहने का मतलब, और रीस्टार्ट करते थे सिस्टम को तो सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता था, उसको फोर्स शट डाउन करना पड़ता था। तो पता नहीं क्यों दो तीन बार किए, अलग अलग कार्ड डीलर लगा के किए लेकिन नहीं हुआ। तो अंत में जाके कार्ड बदल के देखे तो फिर हो गया, मतलब मेरा 16 GB का कार्ड गया हवा खाने। हालांकि कार्ड वैसे बहुत पुराना कार्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है, पता नहीं किस जमाने में खरीदे थे इसको, 4 साल 5 साल से ज़्यादा ही पुराना है कार्ड, 5 साल से ज़्यादा हो गया होगा इस कार्ड का। सैंडिस्क का है, 5 साल चल गया, बहुत बड़ा बात है, 5 साल पहले का कार्ड है, 16 GB, क्लास 10 भी नहीं है, क्लास 4 है, क्लास 4 का SD कार्ड है, बहुत बढ़िया स्पीड देता था और इतना दिन तक चल गया, बहुत बड़ी बात है। तो नया कार्ड अब खरीदना पड़ेगा इसकी जगह। हालांकि दूसरा कार्ड जो उसी के साथ खरीदे थे वो अभी चल रहा है, अभी फिलहाल उसी में जा रहा है डेटा, देख सकते हैं 62% हो गया, 4 मिनट बाकी है, 63%। तो बेसिकली इसको कंप्लीट होने देते हैं, और क्या है, मेरा एक कार्ड खराब हो गया, लेकिन 16 GB का कार्ड का कीमत क्या है अभी, 400-500 के आसपास है, 500 रुपये का चूना लग गया मेरा, हालांकि पैसा तो वसूल हो गया, 5 साल यूज किया था। चिंता मत कीजिए, आपका कार्ड खराब नहीं होगा, ये एक्सेप्शन होता है, कभी कभी जो है मतलब कार्ड खराब हो जाता है। देख सकते हैं अब 1 मिनट बाकी है, 83% हो गया है, पता नहीं क्यों कल तो खराब नहीं हुआ लेकिन आज खराब हो गया कार्ड, कल तो ठीक ठाक चल रहा था। तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कार्ड खराब हो, एक्सेप्शन होता है, कभी कभी हो जाता है। मेरा एक कार्ड खराब है, एक्चुअली चल रहा है अभी, इसमें भी डेटा जा रहा है। उस कार्ड को बेसिकली लिनक्स में लगा के या उबुंटू ऐसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लगा के जो है फॉर्मेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि विंडोज कई चीज़ को फॉर्मेट नहीं कर पाता है, लिनक्स कर देता है, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है कि ठीक हो जाए मेरा कार्ड, अभी तो होप ही कर सकते हैं। अब बेसिकली एक क्या कहते हैं परसेंट बाकी है, उसके बाद वेरीफाई कर रहा है, 5 मिनट इसमें भी लगेगा, उसके बाद फाइल को कॉपी करेगा, तो लंबा समय लगेगा इस प्रोसेस में, आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो 92% हो चुका है, और मेरा लैपटॉप का जो है फैन भी जो है CPU फैन बहुत चलने लगा है, कहने का मतलब प्रेशर पड़ रहा है सिस्टम पे। जनरली मेरा CPU फैन नहीं चलता है, जब शुरुआत में लैपटॉप लिए थे तो समझ भी नहीं आया यार कि इसका CPU फैन क्यों नहीं चल रहा है, तो हमको लगा यार कहीं खराब तो नहीं है, और मेरा लैपटॉप को बहुत पतला है। देखिए सक्सेस हो गया, रिकवरी मीडिया इज रेडी, तो इसको बेसिकली डन पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली जो है यहाँ पे फॉर्मेट डिस्क मांग रहा है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्मेट डिस्क मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि क्योंकि ये जो है बेसिकली इसको इसका ही जो पार्टीशन को जो है सो अपने हिसाब से चेंज किया है, तो इसको फॉर्मेट ना करें जैसे जैसे वैसे ही रहने दें। तो रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, तो बेसिकली सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड डालने की ज़रूरत है क्योंकि हम बूट मैनेजर में पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं। उसके बाद F12 दबाइए अगर आपका डेल का लैपटॉप है, अगर आपका डेल का लैपटॉप नहीं है तो किसी और का लैपटॉप है तो बेसिकली आप फाइंड कीजिए कि बूट लोडर जो होता है बायोस में जाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है, हर एक लैपटॉप का अलग अलग होता है। मेरे केस में क्या कहते हैं
डेल है तो उसका F12 है, F12 दबाएंगे तो इसके बाद UEFI बूट का जेनेरिक मास स्टोरेज यहाँ पे शो किया, कई बार नहीं शो करता है, तो अगर नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए आप वेब पे ट्यूटोरियल देखिए, मेरे में तो दोनों में शो कर रहा है, लिगेसी में भी USB स्टोरेज डिवाइस और बूट UEFI में भी। तो पहले हम UEFI में ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो लिगेसी में ट्राई करेंगे, लेकिन UEFI में कल हो गया था इसलिए होना ही चाहिए। चलिए एंटर मार देते हैं एडमिन पासवर्ड, उसके बाद बेसिकली क्रोम देखिए ग्रब ओपन हुआ था मेरे ख्याल से, और ग्रब इतना जल्दी जो है सो अपने आप लोड कर लिया कि क्या बताए। ये देखिए क्रोमियम आ गया, अब बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है, तो आप मौज कीजिए क्रोमियम, लेटेस्ट क्रोमियम। माउस पॉइंटर भी आ गया देख सकते हैं आप। वेलकम आ गया, इनेबल डिबगिंग फीचर, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा देखेंगे क्या क्या है। इनेबल डिबगिंग फीचर, रिमूवल ऑफ रूट FTS प्रोटेक्शन रिस्टार्ट्स रिक्वायर्ड बिफोर इनेबलिंग अदर डिबगिंग फीचर्स, कैंसिल कर देंगे, कल भी हम कैंसिल ही किए थे। उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, हाँ उसके बाद यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क बेसिकली ऐड करने के लिए बोलता है। तो प्रॉब्लम कल ये आ गया था कि कल वाईफाई ऐड कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था, तो हम अंत में क्या किए, और यहाँ पे SSID भी मैनुअली डालता है, अपने आप जो है सो लोकेट नहीं करता SSID, तो पता नहीं क्यों वाईफाई काम नहीं किया। तो हम बेसिकली डाटा केबल से इसको कनेक्ट करके और इथरनेट के जो होता है जैसे कि मोबाइल से जो इथरनेट देते हैं तो वही किए। तो चलिए हम अपना डाटा केबल कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से, फिलहाल फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम वाला बात हो गया। तो देख सकते हैं जैसे कनेक्ट किए फ़ोन से इथरनेट ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लिया, उसके बाद कनेक्ट हो चुका है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद प्लीज वेट बोल रहा है पता नहीं क्यों। और एक बात, क्रोमियम OS में खुलते ही आपको साइन इन करना पड़ता है, तो हम साइन इन कर लेते हैं। बेसिकली साइन इन हो रहा है, प्लीज वेट प्लीज वेट। देखिए मैसेज आ गया मेरे में कि बेसिकली जो है सो आप लॉग इन किए कहीं से, तो देखिए सेट योर प्रोफाइल पिक्चर आ गया, तो यहाँ पे अरे यार हमको कोई और अकाउंट से साइन इन करना था, लेकिन कोई बात नहीं इससे ही कर दिए है, तो कोई बात है, तो हम अपना पिक्चर बेसिकली इसी को यूज़ करेंगे एज ए प्रोफाइल पिक्चर, और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अब ओपन हो जाना चाहिए। देखिए हाउडी उत्सव जो भी है, टेक अ टूर, हाँ बिल्कुल टेक अ टूर करेंगे, गेट टू योर ऐप फास्ट नेक्स्ट। उसके बाद ये कुछ है क्रोमबुक स्टेटस, इसको लग रहा है ये क्रोमबुक है, एक्सप्लोर योर क्रोमबुक, फोकस फोकस कीप एक्सप्लोरिंग, बेसिकली ब्राउज़र ओपन हो गया, ब्राउज़र क्लोज कर देंगे। तो इंस्टॉल हो चुका है आपका क्रोम OS लेटेस्ट, और यहाँ पे बेसिकली हम वॉलपेपर इसका करेंगे, मतलब सेट करेंगे, तो उसके लिए फाइल्स में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, वॉलपेपर्स में जाएंगे, सिंगल वॉलपेपर ही तो है, और उसके बाद ओपन कर देंगे, और वॉलपेपर चेंज हो गया पीछे का देख सकते हैं। उसके बाद बेसिकली इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रोम OS इंस्टॉल हो गया, और देख सकते हैं इसमें थोड़ा अलग है, 32 बिट वाला थोड़ा अलग था, और ये वेब स्टोर है, दो दो वेब स्टोर दिए हुआ है। अच्छा इसमें वो नहीं है क्या प्ले स्टोर, इसमें देख लेते हैं प्ले स्टोर है या नहीं, सर्च इंजन अपीरियंस, अरे यार इसमें से प्ले स्टोर हटा दिया, एसेसिबिलिटी डाउनलोड्स एक्सटेंशन सब, ये एक्सटेंशन सब जो मेरे इसमें है वो डाउनलोड हो रहा है,
जैसे ही अकाउंट से आप लॉग इन कीजिएगा, तो उस अकाउंट में अगर क्रोमियम में कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखे है रहा, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्रोम ओएस अब काम कर रहा है। इसका पूरा रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से अभी तक वीडियो जब तक आप देखिएगा तब तक अपलोड हो चुका होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, पीस। तो उसके बाद बेसिकली जो अगर आपको लग रहा है कि मतलब हम जो है उसको हार्ड डिस्क में क्यों नहीं इंस्टॉल किए, तो अगर आप करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, तो बेसिकली कोई सा जो शुरुआत में जो हम आपको बताए थे वो प्रोसेस वाला वेबसाइट जिसमें कि आपको टाइप करना था क्रोमियम ओएस विकी हब, उसको ओपन कर लेना है क्रोमियम ओएस विकी हब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसको कहाँ गया, 5 नंबर 6 नंबर 7 सेवन नंबर पे दिया हुआ गया है कि मतलब वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद उसको ये CTRL प्लस LT प्लस F2 के से जो है सो बेसिकली जो है सो खुलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं या टर्मिनल कर सकते हैं जो कही है। और क्रोमियम, ये क्रोमियम लॉग इन स्क्रीन पे करना है, और उसके बाद उसमें यूज़र नेम डालना है क्रोनोस, और पासवर्ड के तौर पे पासवर्ड डालना है। और उसके बाद बेसिकली अपने डिस्क में इंस्टॉल करने के लिए ये यूज़र बिन क्रोम ओएस इंस्टॉल डिस्क, उसके बाद डिस्क के बाद ये डेवलपर और SDA जो है, तो ये SDA की जगह आपका डिस्क होगा, SDA SDA1 SDA2 SDA3 जो भी है आपका। तो उसके बाद वो जो है उस पार्टीशन में आपका क्रोम ओएस इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोसेस था तो बता दी।